पार्टिसिपेंट प्लीज ऑन योर वीडियोस। या इट्स बेटर कि अगर आप वीडियो ऑन कर लें. टुडे इज आवर योर लास्ट क्लास विद मी, सो आई जस्ट वांट टू सी ऑल ऑफ यू दोस्त में आप पार्टिसिपेटेड. इट्स अप टू योर विश, जैसा भी आप चाहते हैं. ओके, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजिशन, सिंपल क्रॉस लेग या हाफ लोटस, और इवन यू कैन सिट इन बद्धकोणासना दिस वे ऑल्सो. सो कीप योर स्पाइन अपराइट, आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर. अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करिए योग सत्र के लिए. शारीरिक तैयारी के लिए स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, चिन को पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है, कंधों को पीछे और नीचे की ओर, और आपके हाथ किसी मुद्रा में आइस के ऊपर. मानसिक तैयारी के लिए आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास की गति कैसे है, विचारों की गति कैसे है, क्या विचार आ रहे हैं. विचार आएंगे, विचार जाएंगे, किसी भी विचार के साथ हमें जुड़ना नहीं है पूरे अभ्यास सत्र के दौरान. ओम का उच्चारण 3 बार. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरिः ओम. दोनों हाथ प्रातः की मुद्रा में सिर को झुका लेंगे और अपने स्थित, अपने भीतर स्थित उस ईश्वरी अंश को, उस ईश्वरी तत्व को नमन करेंगे. धीरे से हाथों को नीचे ले आइए और सिर को उठा लीजिए. प्रार्थना के बाद श्वास के स्तर पर आए हुए बदलावों को आप ध्यान से देखिए. अपनी श्वास के साथ जुड़ने का अभ्यास करिए, प्रयास करिए और धीरे धीरे श्वास को लंबा और गहरा करते जाएंगे और लंबे और गहरे ही श्वास खाली करते जाइए. डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन. हाथ नीचे ले आइए और लंबा और गहरा श्वास लीजिए और लंबे और गहरे श्वास खाली करिए.
चार और छह की रेशो में आप सांस लेंगे और खाली करेंगे, चार या पांच काउंट में आप इनहेल करेंगे और छह या सात काउंट में आप एक्सहेल करेंगे, और एक ही स्पीड में धीरे और लंबा गहरा एक्सहेल। और अपनी श्वास को, मुख्यतः प्रश्वास को, इतने अच्छे से लंबे और गहरे खाली करिए कि खाली करते करते आप रिलैक्सेशन फील हो। डीप एक्सहेल आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आप धीरे धीरे शांत और रिलैक्स होते जाते हैं, काम होते जाते हैं, लेकिन डल, लेजी या आलसी नहीं होते। ठीक, ऐसा नहीं है कि रिलैक्स से काम होने का मतलब डल होना। तो लंबा और गहरा सांस लेंगे और लंबा और गहरा सांस खाली करेंगे। आज का जो हमारा अभ्यास सत्र है वो मुख्यतः बैठकर किए जाने वाले जो आसन है, जो कि मुख्यतः हमारे हिप ओपनर्स होते हैं, नीचे के जो तीन चक्र होते हैं, ज्यादातर बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग या हम अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बैठने से या हमारे रॉन्ग पॉस्चर की वजह से यहाँ की मसल्स जो टाइट, स्टिफ और वीक हो जाती है, उसकी वजह से आपके नीचे के तीनों चक्र प्रभावित होते हैं, मुख्यतः आपका स्वाधिष्ठान चक्र। और जैसे जैसे हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, बैठने के घंटे 5 से 6, 8, 10, 12 घंटे बैठते हैं, तो इसीलिए आजकल आप देख पा रहे होंगे हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा है, इनफर्टिलिटी का रेशो मेल और फीमेल दोनों में बढ़ रहा है, तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। सो विल टेक टुडे कपालभाति फॉर 3 मिनट्स। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, हार्निया कंडीशन में या आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत धीरे धीरे करना है, महिलाएं इसको पीरियड डेज में नहीं करेंगे। स्टिल आपको लूज मोशन या करते वक्त बैक पेन हो रहा है, ठीक, और कई लोगों को करते वक्त पीछे की साइड खिंचाव या हेडेक होता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, आपको किसी कुशन या फोल्डेड बेडशीट पर बैठना है, तो आपका स्पाइन ठीक हो जाएगा, तो आपको ये दिक्कतें नहीं है। तो बैक को स्ट्रेट रखेंगे, फोकस ऑन एक्टिव एक्सहेलेशन, केवल और केवल श्वास खाली करने पर हम ध्यान देंगे, और ऐसा करते हुए हमारी नाभि अंदर और पीछे रीढ़ की हड्डी को हिट करेगी। सो स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट तक और करना है, लगातार आपका ध्यान नाभि चक्र पर, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वहां पर आपको हल्की सी ऊष्मा महसूस होगी, और कॉन्टिन्यूसली एक्सहेल करेंगे, यू विल फील कि आपके नॉस्ट्रिल जो इनर वॉल है आपकी नोज की, वो अच्छे से क्लियर हो रही है। और 1 मिनट
जो लास्ट एक्सेल है उससे पहले आप एक लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर एक लंबा और गहरा श्वास बाहर की तरफ पूर्णतया खाली करेंगे। एंड रिलैक्स, कुछ देर के लिए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और कपालभाति के प्रभाव पर ध्यान दीजिए। अगर हम ठीक तरीके से करते हैं तो केवली कुंभक अपने आप रखता है, वो स्थिति जिसमें ना हम श्वास ले रहे हैं ना हम श्वास खाली कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए शरीर एक गहरे विश्राम अवस्था में चला जाता है। आपको अपने फ्रंटल ब्रेन यहाँ पर बहुत रिलैक्सेशन फील होता है क्योंकि कपाल मतलब यहाँ पर कपाल का मतलब है आपका सिर और मुख्यतः आपका फ्रंटल ब्रेन। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो भाती यानी कि जो हमारा ऑरा है वो चमकने लगता है, शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर निकलती है। ये षटकर्म क्रिया का एक भाग है कपाल भाती। इससे अगला अभ्यास है अग्निशा। सावधानियां वही है, ब्लड प्रेशर है नहीं करेंगे, पीरियड डेज में नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन हुआ है तब नहीं करेंगे, हार्मला की स्थिति में नहीं करेंगे और लूज मोशन की परिस्थिति में नहीं करेंगे। बद्ध कोणासन में करते हैं तो और अच्छे तरीके से होता है। दोनों हाथों को ऐसे घुटने पर रखेंगे, पहले आप एक बार मुझे देख लेंगे उसके बाद आप करिएगा। तो श्वास भरेंगे, पूरा श्वास खाली करने के बाद नाभि को पीछे और ऊपर की तरफ आप ले जाएंगे। श्वास आपका बाहर रुका हुआ और उसी परिस्थिति में आप पेट को आगे पीछे चलाएंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति चेहरे को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे ना कंधों को टेंस करेंगे, यथाशक्ति जितना आप फ्लटर कर सकते हैं आगे पीछे चला सकते हैं उतना चलाएंगे, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अगला जो अभ्यास है तीन बार इसको करेंगे। अगले अभ्यास से पहले दो तीन बार नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन, कभी भी एक के बाद एक ऐसे लगातार अभ्यास आपको नहीं करना है, पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देते हैं उसके बाद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप हाथ इस तरीके से रखेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। श्वास भरिए, आपको श्वास उखड़ने जैसी स्थिति महसूस हो उससे पहले ही आप अभ्यास छोड़ देंगे और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यह हमारी जठर अग्नि को बैलेंस करता है। हम सभी जानते हैं कि पेट को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। पेट में भी वही न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं जो नर्व्स सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन में है। सो इसको गट एंड ब्रेन एक्सेस को भी नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है, आपका कपाल भाती भी और अग्निशा भी। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरिए, रिलैक्स, आंखें बंद कुछ देर के लिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बैठे, आप नॉर्मल सिंपल क्रॉस लेग पे भी बैठ सकते हैं अगर अभ्यास नहीं है तो। एक बार और करिए अग्निशा, श्वास को भरिए अच्छे से, पूरा खाली करिए, श्वास को बाहर रोक के रखिए, पेट को अंदर और ऊपर की ओर लीजिए और फिर आगे पीछे पेट को चलाइए क्षमता अनुसार। आंखें बंद कर लीजिए, एक बार और अग्निशा का अभ्यास।
and relax. गुड, अब आप पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे. अभ्यास क्रम में आगे बढ़ने से पहले हम पैर के कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. तंडासन में आप बैठेंगे कंधे पीछे की ओर और आपकी उंगलियां कप शेप में फ्लोर को और फ्लोर को जमीन को प्रेस करते हुए ताकि आपकी स्पाइन आप ऊपर उठा के रख सके, वरना ऐसे धीरे धीरे ये डंग पोजिशन आ जाएगी. पैरों की उंगलियों को अच्छे से दबाइए और खोलिए अच्छे तरीके से. फिर पूरे पंजे को नीचे और ऊपर ले जाइए. फिर आप एक पैर को नीचे की तरफ एक पैर को अपनी तरफ खींचिए. इससे आप पैरों पे देखेंगे कि और खिंचाव आपका बढ़ गया. एक एक पैर, एक एक पैर. फिर पैरों को मिला लीजिए और गोलाई में पूरा घुमाइए क्लॉकवाइज. फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज. अब आप पैरों को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इनहेल करते हुए बाहर और एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इस प्रकार करेंगे. अच्छे से बोलिए. यहां से हम अर्ध पद्मासन की स्थिति में जाए. अगर कोई नी कंडीशन है तो आप पैर को लूज रखिएगा, ठीक है. बहुत ज्यादा पैर को ऊपर थाई की तरफ नहीं लाएंगे तब आप इतना ढीला रख सकते हैं. और बहुत ज्यादा दबाव मत दीजिएगा कि नीचे ले जाना है. सो बाकी सभी राइट पैर उठाइए और उसको टॉप थाई के ऊपर लेकर आइए. घुटना नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ. बॉडी को नहीं मूव करना है, हमें सिर्फ घुटने पर फोकस करना है. यस, एक्सहेल इनहेल. दूसरे पैर को हम सीधा रखेंगे. So we are preparing our, आप ना पिन कर लीजिए मेरी स्क्रीन को अगर नहीं दिख रहा है तो. विल जस्ट पिन इट. फिर सेकंड साइड से आराम से. और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. सबकी बॉडी में, किसी की बॉडी में राइट साइड ज्यादा डोमिनेंट होता है, कोई लेफ्ट साइड से. और इम्बैलेंस सबकी बॉडी में होता है. वो इम्बैलेंस कई बार स्ट्रक्चर भी होता है, फाइबर्स होता है, कई बार हम हमारे काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. दिस वे. गुड. अब आप पैर को खोल लीजिए इस तरीके से और अपने पास बेल्ट और एक कोई पिलो और एक बेडशीट इसको रेडी रखिएगा ताकि अब बस यहीं से हाथ फैलाए और आप ले लें, आपको बार बार उठना ना पड़े. तो ये सारी चीजें पास में अरेंज कर दीजिए. अब ये बेडशीट उनको लेनी है. मान लीजिए आपको बैक पेन है या आपका सिटिंग जॉब ज्यादा है, आपके पैरों में टाइटनेस है, तब आप इसके ऊपर बैठेंगे. मैं साइड से दिखा देती हूँ ऐसे, ठीक. इससे आपके बैक पे ना प्रेशर नहीं आएगा. आप लोग तो एक मिनट ले लीजिए और ये सारी चीजें ला के रख लीजिए. यू विल एंजॉय टुडेज प्रैक्टिस. तो ये चीजें रख लीजिए अपने पास कि आपको फिर बीच में ना भागना पड़े. दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई घुटने की समस्या है या आपने पैर खोला और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका घुटना तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक, तब क्या करें? ऐसे आप कोई भी एक छोटा सा टॉवल हैंकी लेंगे और आप घुटने के नीचे इस तरीके से लगाएंगे ताकि घुटने पर प्रेशर ना आए. तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है. आप पैरों पर से खोल के रखेंगे. दो एक्सरसाइजेस करेंगे हम.
बैठ के करने वाले आसनों के क्रम में सबसे पहले दो एक्सरसाइजेस करेंगे, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम तीन क्लासेस में सीख चुके हैं कि पैर को सीधा रखना है, पैर और वाले की सीट पे शरीर को सीधा रखेंगे और श्वास खाली करते हुए हाथ को आप पैर के अंगूठी की तरफ ले जाएंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे। फिर से देखिए इसमें क्या इसकी टेक्निक है, आपका जो लोअर पार्ट है आपके दोनों पैर वो फिक्स रहेंगे, अपर बॉडी मूव कर रही है। सो दिस वे इनहेल 60 टाइम्स हम इसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप घुटने को टच करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, श्वास लंबी और गहरी अपने आप है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप पैर ज्यादा नहीं खोल पा रहे हैं, इतना ही खुल रहा है, तो भी आप सपोर्ट के ऊपर बैठेंगे, इसको खोलिए इस तरीके से। एक राउंड और करेंगे इसी कटी चक्र का। आप पैर के अंगूठी की तरफ हाथ ले जा रहे थे, अब पैर के बाहर की साइड ले जाएंगे हाथ, आप अंदर की बजाय अब बाहर की तरफ इस तरीके से। इनहेल धीरे धीरे करेगा, फास्ट नहीं, और जहां तक भी आपका हाथ जा रहा है बाहर की तरफ हम ले जाएंगे ताकि और ट्विस्ट हो जाए। एंड रिलैक्स, पैरों को आप थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथ को थाइस पे रखिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। अब बेल्ट अपने पास रेडी रखिएगा और ध्यान से देखिए, अब हम राइट पैर को मोड़ रहे हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई नी इशू है तो आप पैर सीधा ही रखिएगा। राइट पैर को मोड़ने के बाद आप देखोगे आपके पास और स्पेस है, ये पैर और पीछे जा सकता है, उस पैर को और पीछे ले जाए। इसके बाद आप पहले देख लीजिएगा, राइट पैर को बेंड किया हुआ है, आपका लेफ्ट पैर सीधा है। आप चेक कर लो आपका हाथ अंगूठे तक जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है तब हम इस बेल्ट से या जो भी आपने लिया है दुपट्टा या तौलिया, इसको इस तरीके से रखेंगे। अगर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊनी को ऐसे मोड़ लेंगे, दूसरा हाथ कमर पर, ठीक। और अब यहां से सांस भरते हुए शरीर को पूरा घुमाएंगे बाई से दाई और लेफ्ट टू राइट, और शरीर को ऊपर उठाते जाएंगे। एंड आप और टर्न करिए पीछे की ओर, देखिए गर्दन को भी पूरा घुमाइए और फिर छत की तरफ देखिए। पैर का अंगूठा हाथ से पकड़ना है या आप बेल्ट लगा लीजिए और रुकेंगे यहाँ पर। परिवृत्ता जानुशीर्षासन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ये परिवृत्ता जानुशीर्षासन है, टर्न है भी नहीं, ठीक। अब आप अपना राइट हाथ उठाइए और एक्सेल करते हुए से
कान की तरफ ले जाएंगे एंड ट्राई टू बेंड मोर, जो पैर की अंगूठी तक पहुंच पा रहे हैं पहुंचे, अदरवाइज आप यहीं पर रुके और आप ये लोगो देख पा रहे हैं, इसको सामने रखना है, चेस्ट को सामने रखना है और झुकते भी जाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी अपने आप यहाँ पे डीप स्ट्रेच यू विल फील। यस, ऊपर वाला हाथ बेंड नहीं करेंगे, सीधा रखिए। सीधा रखने पर वो स्ट्रेच कॉन्टिन्यूसली आता जाएगा और चेहरे को कवर नहीं करना है, ओपन। इनहेल एक्सहेल, रुके यहाँ पर 10 seconds तक हम रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। केयरफुली यू विल कम अप। अभी पैर स्विच नहीं करना है। अब आप अपने पूरे शरीर को लेफ्ट साइड पर टर्न कर लीजिए, इस तरीके से पूरा घुमा लीजिए और अब एक्सहेल करते हुए आप पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए या साइड पकड़ लीजिए या बेल्ट से ही आप लिफ्ट करेंगे और जानु शीर्षासन वाली पोजीशन में जाएंगे, पार्श्व जानु शीर्षासन। इनहेल और जो जा पा रहे हैं और नीचे जाइए एंड स्टे हियर। बॉडी एक तरफ ज्यादा झुक रही होगी तो आपको अंदर की साइड ज्यादा लाना है शरीर को बैलेंस करने के लिए। यस, सिर नीचे नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आप इस पोजिशन में रखिए, नहीं पकड़ पा रहे तो बेल्ट लीजिए एंड कॉन के बैक पीठ को उठा के रखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेफ्ट पैर और राइट हैंड इसको बाहर से पकड़ लेंगे, ये आपके अंगूठे की साइड है, ये बाहर की साइड है, आप पैर को पकड़ लो, पैर पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप बेल्ट लगा के रखेंगे इस तरीके से। आपका लेफ्ट हाथ जमीन पर और आप टर्न करेंगे, सांस भरते शरीर को उठाइए और शरीर को पीछे की तरफ घुमाइए, टर्न अगेन, परिवृत्त एक्शन, ट्विस्टिंग एक्शन एंड कंधे के पीछे देखिए, शाबाश, बेंच लगा लीजिए। हाँ, बाहर से अगर नहीं पकड़ा जा रहा है थोड़ा सा नी बेंड कर लीजिए, कोई बात नहीं, घुटना मोड़िए और फिर पकड़िए आप इस तरीके से और फिर टर्न करिए। Very good, very nice. फिर inhale center, पैर की पोजिशन ऐसे ही रखिए और जितना आप आगे जा सकते हैं आगे की तरफ झुक जाइए। Forward bend. जो अपने पैर सीधा करा रखा हुआ है ना उसका पंजा अंदर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ करते ही आपको बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेच आएगा। यस एंड इनहेल कम अप वापस, अभी लेग चेंज नहीं करना है, एक कॉर्ड ट्विस्ट करेंगे अदर साइड पेंट लेग साइड। सो लेफ्ट हाथ आपके राइट साइड पर और राइट हाथ पीछे और टेक करिए कंधे नीचे की तरफ और घुमाइए, कंधे से पीछे देखने की कोशिश करिए, घुटने को थाई को अपनी तरफ खींचो और पेट को टर्न करो, पेट को टर्न करो। Good. और धीरे से वापस दोनों पैर फिर से आप दंडासन की पोजीशन में ले आइए, थोड़ा सा पैरों को शेक करिए, एक एक पैर को ऊपर नीचे और फिर दोनों पैरों को एक साथ, और फिर से हम पैर खोल लेंगे। इसी आसन को, इसी आसन के वेरिएशन को, परिवृत्त और पार्श्व धनुशीर्षासन को हम दूसरी साइड से करेंगे। तो अब आप लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए इस तरीके से और राइट पैर आपका और पीछे चला जाएगा, जो प्रॉप आपने लेफ्ट साइड यूज किए थे वही आप राइट साइड भी यूज करेंगे। पहली दो उंगली से पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए इस तरीके से और सांस भरते बॉडी को उठाइए, उठाइए और टर्न करिए, टर्न करिए पीछे की तरफ, शरीर पीछे और ऊपर की तरफ। आप एल्बो बेंड भी कर सकते हैं, आप हाथ सीधा भी रख सकते हैं, बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रोटेट, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। आपका शरीर का भार ना दोनों हिप्स पर बराबर, इस साइड पे तो अभी आ रहा होगा, इसको और एक्टिवेट करो, जितना आप प्रेस करोगे उतना आप पाओगे और टर्न। आप इस साइड से एल्बो को बेंड करेंगे, लेफ्ट हाथ को उठाइए, टर्न करिए, कान की तरफ ले जाइए अच्छे से और धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप नीचे ज्यादा जाएगा
आगे की तरफ से इसको नहीं झुकाना है, साइड में, साइड में, एंड होल्ड हियर फॉर 10 सेकेंड. 1, 2, 3, 4. जो पहुंच पा रहे हैं टोस तक आप उसको पकड़ भी सकते हैं. 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale. दोनों हाथ खाई के अगल बगल और बॉडी को सेंटर में लाने की कोशिश करिए. ठीक, पार्श्व को दानव शीर्षासन, और एक्सेल करते हुए आप पुट को हुक करिए, चेस्ट को उठाइए, कंधे नीचे, एक साइड ऊपर नीचे है तो फर्स्ट वी विल अलाइन इस थाई को भी नीचे प्रेस करिए. हेड नीचे लग रहा है तभी आप डीप जाइएगा, अदरवाइज यू विल जस्ट टेक केयर. और जो कर सकते हैं और आगे जाएंगे. जितना भी हो सके, डोंट फोर्स योर सेल्फ. Then inhale, come up. सांस भरते ऊपर आइए. अब लेफ्ट हाथ से राइट पैर को बाहर की तरफ से पकड़ लेंगे, राइट हाथ आपका जमीन की तरफ. इनहेल, चेस्ट को उठाइए, एंड एक्सहेल, रोटेट फ्रॉम हियर, टर्न टर्न, पैर को अपनी तरफ खींचो और बॉडी को ट्विस्ट करो, टर्न करो. कंधों को टाइट नहीं रखना, कंधे नीचे की तरफ और पीछे देखिए. यस यस, आप प्लीज, कई बार क्या होगा अगर आप ठीक से नहीं करेंगे, बॉडी को बिना उठाए अगर आप टर्न करेंगे तो आपको क्रैम्प आ जाएगा. आप हाँ, तो पहले बॉडी को उठाना है, देन यू हैव टू टर्न. और जहां जरूरी लगे आप प्लीज बेल्ट पे लीजिएगा. वेरी गुड, इनहेल, कम बैक. और अब हम आगे की तरफ झुकेंगे, इस पैर को अपनी तरफ खींच के रखना, एंड देन बेंड फॉरवर्ड. धीरे से वापस अदर साइड, दूसरी साइड हम ट्विस्ट करेंगे. आउटर थाई को अच्छे से हुक करिए, एंड टर्न एंड रोटेट. इनहेल, स्पाइन को उठाइए, स्पाइनल मसल्स को उठाइए, एंड एक्सहेल, टर्न. एंड देन जेंटली कम बैक. फिर से दंडासन में बैठिए, पैरों को अच्छे से हिला लीजिए, ऊपर नीचे, पैर खोलिए. अगेन वन मोर टाइम. उपविष्ट कोणासन या पूनमन आसन. अब एक पिलो को अपने पास रेडी रखिएगा. ठीक है, हम इसको दो तरीके से करेंगे, पहले बिना सपोर्ट के फिर सपोर्ट के. आप अपना हाथ हो सके तो फ्लोर पे रखिएगा. यहां से इनहेल और एक्सहेल करते हुए हाथों से वॉक करते हुए आगे. इनहेल चेस्ट अप, एक्सहेल हाथ को और ले जाइए ऊपर. इनहेल चेस्ट अप, एक्सहेल हाथ आगे और. इनहेल चेस्ट अप, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल. ओके, दिस वे. या जिस भी पोजीशन में है आप वहीं रुकिए. उंगलियों को अच्छे से दबाइए, पैर का पंजा अंदर खींचे, थाई को नीचे दबाइए और चेस्ट उठाइए. यू विल गेट विथ, हाँ दबाओ इसको और चेस्ट उठाइए. You will get a very nice stretch on your inner thighs. Yes. Chest. Chinni. Chest. Ah, chest uthaiye. And then come back. Yes. Now, iska next karenge. Abhi final pose nahi kiya aapne. Inhale. Khicho shareer ko upar acche se aur exhale karte hue jahan tak bhi aapka haath ja raha hai. Pair ke anguthe tak ja raha hai to usko pakad lo. Aapka shin bone ki taraf ja raha hai, ne ki taraf ja raha hai, usko pakad lijiye. आप स्लाइटली नी बेंड कर सकते हैं, अगर बहुत बस थोड़ी सी कसर है तो आप स्लाइटली नी को बेंड कर लीजिए. अदरवाइज लिफ्ट योर चेस्ट अप, कंधे नीचे, कंधे ऐसे टाइट नहीं, छाती उठाइए, थाइस को प्रेस करिए, प्रेस करिए. सर वेरी गुड, चेस्ट लिफ्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. वेरी गुड मैम, वेरी गुड डॉक्टर प्रीति. थाई नीचे, चेस्ट अप, गुड गुड. And carefully come back, relax. अभी कोई चेंज नहीं करना है शरीर को,
अब आप देखोगे आपके पास और स्पेस क्रिएट हो गया। अब आप पैर खोलोगे तो 1 इंच और पैर खुल जाएगा, बस उतना ही खोलना है कि क्रैम्प ना आए। क्रैम्प आ रहा है तो पहले आ जाइए, जस्ट शेक इट और या सामने ले आइए। एक साइड में सबके इम्बैलेंस होता है तो बी केयरफुल कि आपने जितना राइट पैर को खुला है ना उतना ही लेफ्ट पैर को खुला है। अब आप ये कुशन लेंगे ऐसे, इसको पेट की तरफ लाइए पूरा, ये जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और आप आगे झुक जाइए एंड रिलैक्स गर्दन अप, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर भी इस तरीके से। जितना थिक सपोर्ट लेंगे पेट आपका नीचे की तरफ जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। जिनकी कमर की में ज्यादा आर्च है उनके लिए भी हेल्पफुल है ये एक्शन। इस तरीके से पैर को ढीला नहीं रखना, पैर को आप एक्टिव रहेंगे रखेंगे। आप इसको अभी कोई गुड, और जो कर रहे हैं फिर सेकंड साइड, प्लीज इस वेरिएशन को आप जरूर ट्राई करिएगा। इवन पीरियड डेज पे आप इसको कर सकते हैं, कभी भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, यू कैन प्रैक्टिस दिस केयरफुली। कम अप, इसको साइड में रख लीजिए, वी विल यूज इट लेटर। नाउ वॉच केयरफुली, कम इन बटरफ्लाई पोजिशन, मध्य कोणासन, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, थाइस को नीचे ले जाइए। सर आप थोड़ा सपोर्ट पर बैठिए, अगर आपकी नीज ऐसे फ्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा हाइट पर बैठेंगे, थाइस नीचे। हाँ अच्छे से इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक भी कर सकते हैं, पैर का अंगूठा भी पकड़ सकते हैं और आप ऐसे अपनी शिन बोन को भी पकड़ सकते हैं। तीनों ही वेरिएशंस ठीक है इस तरीके से। अब सांस भरिए, सांस खाली करते हैं, आप आगे झुकने की कोशिश करेंगे, देन यू विल कम बैक। साइड से दिखा रही हूँ बटरफ्लाई पोज, पद्मकोणासन या पद्रासन। इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जिस भी लेवल पर है आप, यहाँ 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 जिस भी लेवल पर है जस्ट स्टे, ट्राई ट्राई चेस्ट को ओपन करके, ठीक है। और इस तो करना है तो एक एक्सरसाइज या ड्रिल है, हम इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो धीरे धीरे करते करते इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि आप आगे झुक पाएंगे, बट डोंट फोर्स योर सेल्फ, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट अवर बॉडी कि जितना आपसे हो रहा है अभी उतना ही करना है। गुड, वेरी गुड, रिलैक्स रेस्ट। आप रेस्ट करिए और एक बार देख लीजिए कि नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम उभय पादंगुष्ठासन, यानी कि पैर को ऊपर उठाना है और पैर के अंगूठे को पकड़ना है। तो आप ऐसे घुटना मोड़ लेंगे, आपके दोनों हाथ ऐसे काफ मसल पर रखेंगे आप, ठीक। पहले देख लीजिए नहीं तो फिर मिस हो जाएगा कोई स्टेप। अब यहां से आप बॉडी उठाएंगे, ये हाफ है अर्ध हाफ पोजीशन है। यहां से इफ यू आर रेडी टुडे देन यू विल टेक योर लेग्स अप और पैर के अंगूठे की तरफ ध्यान। ऐसे गोल नहीं करना है पीठ को, आपका जो पूरा बैलेंस है वो टेलीबोन पर है। हाथ नीचे लगा के रखिए प्लीज, तब अच्छे से कर पाएंगे। यस वेरी गुड, ट्राई। पैर को शार्प रखिए, पैर के अंगूठे पर ध्यान दीजिए, पैर के अंगूठे पर ध्यान दीजिए। सिर्फ काफ मसल पे फोकस करिए और आराम से आराम से। पीछे प्लीज कोई हैवी फर्नीचर ना हो कि आपको चोट ना लगे। यहाँ रखने की बजाय यहाँ काफ मसल पे रखिए और बैलेंस करिए एंड देन स्ट्रेटन द लेग। वेरी गुड, आराम से सर, रिलैक्स।
दोबारा से बटरफ्लाई वाली पोजीशन में आइए। इसको हम करते हैं दूसरे तरीके से। दोबारा से बटरफ्लाई वाली पोजीशन में आइए। पहली दो उंगली से पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और अगर आपको लगता है कि बॉडी पीछे जा रही है ना, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे पीछे एक तकिया या एक चादर को फोल्ड करके रख लो। उससे क्या होगा, आप पीछे नहीं गिरेंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक, पैर का अंगूठा पकड़ा हमने, सांस भरिए और दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, बस इतना, 2 इंच ऊपर, कंधे नीचे, उड़ियान मन लगा के रखिए। पैर का अंगूठा पकड़ा है सर, पहली दो उंगलियों से पैर का अंगूठा पकड़ा है और हमने उठा लिया है। पहले फर्स्ट टू फिंगर से पैर का अंगूठा पकड़िए सर, फर्स्ट टू फिंगर से, फर्स्ट टू फिंगर से पैर का अंगूठा पकड़ा है। हाँ, फर्स्ट टू फिंगर्स दिस वे, अच्छे से ग्रिप करेंगे। आपने इसको लिफ्ट किया है, अब वेरी केयरफुली यू विल स्ट्रेच योर वन लेग अप लाइक दिस। इतना हो रहा है तो इतना करिए, इतना हो रहा है इतना करिए, जबरदस्ती। हाँ, जिस भी पोजीशन पे है हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बैलेंस करना है। फिर धीरे से वापस, फिर आप दूसरी साइड, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, एंड कम बैक। नाउ यू विल स्ट्रेच योर बोथ लेग्स, इट कुड बी दिस वे, इट कुड बी दिस 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 एंड दिस, चेस्ट अप, ओके। दोनों पैर उठाइए और पैर के अंगूठे को अपनी तरफ खींचिए और पैर के अंगूठे से उंगलियों की तरफ खींचे तो आपका पैर अपना, वेरी गुड मैम, हाँ, बैलेंस हियर। एंड धीरे धीरे केयरफुली वापस आएंगे। इसी पोजीशन को देखिए अब कैसे करना है। इसी पोजीशन को आप पहले पैर साइड में ले गए थे, अब आप पैर आगे ले जाएंगे सामने की तरफ, राइट साइड, फिर लेफ्ट एंड देन फिर बोथ लेग्स। एक बार स्ट्रेच करने के बाद, बैलेंस आने के बाद, आप पैर को अपनी तरफ खींचिए इस तरीके से, उभया पादंगुष्ठासन। एक पैर से, अगर दोनों पैरों से नहीं हो रहा है तो सिंगल लेग से करिए, एक एक पैर से करिए। सर एक जगह देखना इंपॉर्टेंट है कि आपकी दृष्टि कहाँ पर है, एक जगह फोकस करेंगे तभी हम उठा पाएंगे, तभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, गुड, इतना आप सभी लोग कर पा रहे हैं, सो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पोज। उस आसन का नाम है क्रौच आसना, क्रौच आसन। अगर आपको नी पेन है तब आप पैर को इस तरीके से रखेंगे, आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर नी पेन नहीं है तब आप एक पैर वज्रासन की पोजीशन में रखेंगे और दूसरा पैर आगे रखेंगे। ठीक, नी पेन नहीं है तो एक पैर वज्रासन में, दूसरा पैर स्ट्रेट। नी कंडीशन है तो एक पैर को मोड़ के रखेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट। अब करना कैसे है ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से दिखा लूँ। एक पैर को मोड़ा है, एक पैर को स्ट्रेट रखा है, इसको फोल्ड कर लीजिए और हाथ से अपने पैर को पकड़ लीजिए। अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तब आप बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, बेल्ट का प्रयोग करेंगे। पहले बिना बेल्ट के बैक स्ट्रेट, अभी तक जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसको सब इंक्लूड करना है इसमें, एंड चेस्ट अप। पीछे से गोल नहीं होगी आपकी स्पाइन, पेट की तरफ इस तरीके से, ऐसे या बेल्ट से, और फिर आप अपनी क्षमता अनुसार इस पैर को और आगे ला सकते हैं। ठीक, क्रौच आसना। अब एक पैर वज्रासन में रखेंगे और दूसरा पैर इस तरीके से आप पकड़ेंगे, एंड देन यू विल बी सेम, ठीक, बेल्ट से या हाथ से, गुड, प्लीज डू, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। अगर आप सिर को नी या शिन बोन तक लगा सकते हैं तो उसको भी अभ्यास करिए। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और आपको बहुत डीप स्ट्रेच आ रहा होगा, जब भी हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो क्या होता है, आपकी एड़ी से लेकर आपके स्कल तक एक बैक चेन मसल है, उनमें सब में खिंचाव आता है। एक्सीलेंट, सेकेंड साइड, लेफ्ट साइड से करिए, लेफ्ट साइड से क्रौच आसन।
वेरी गुड सर, हाँ आराम से आराम से आराम से, घुटना मोड़ लीजिए पहले सर, पहले सिंपल वे कर, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जब हम सर ऐसे मोड़ते हैं ना, ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे वज्रासन में बैठते हैं तो एक हिप ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इस साइड में आप एक ऐसे सपोर्ट लगा सकते हैं, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, देखिए अभी बैलेंस हो गया आपका, बढ़िया से, शाबाश, गुड गुड गुड। हाँ सर, पीठ को गोल नहीं करना है, जिस भी पोजीशन में है बैक आपकी न्यूट्रल स्पाइन को मेंटेन करके रखना है, वेरी गुड। ओके, लेट्स मूव टू पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में ना ध्यान रखिएगा, बैक पेन है या साइटिक का इशू है तब पूरा डीप नहीं जाना है, तब आप ऐसे सपोर्ट ले लेना और थोड़ा पैर में गैप, ठीक, अदरवाइज आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हो, सपोर्ट से करने में कोई नुकसान नहीं है। इनहेल और चेस्ट को आगे ले जाना है पैर के पंजे की तरफ, हम क्या करते हैं हेड को ले जाते हैं घुटने की तरफ, वो नहीं करना है। इनहेल, चेस्ट 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 एंड हुक, और लिफ्ट करिए स्पाइन को, ऊपर उठाइए चेस्ट को, ऊपर उठाइए कंधे नीचे की तरफ। इस पश्चिमोत्तानासन पे आपको जो खिंचाव है आपके ये हैमस्ट्रिंग्स और काफ पे ज्यादा आना चाहिए, अगर आपको साइटी का पेन है, यहाँ पेन आ रहा है, तो आप स्लाइटली नी को बेंड करिए एंड देन यू विल डू, या बेस्ट है, चाहे आप कितने भी फ्लेक्सिबल क्यों ना हो, आप ऐसे एक पतला सा सपोर्ट ले लीजिए, इससे आपके मसल्स और एंगेज हो जाएंगे दिस वे, और जो कर सकते हैं अगर स्पाइन को फ्लैट रख पा रहे तभी नीचे जाइए, अदरवाइज मत जाइए। पश्चिमोत्तानासन, गुड, और फुट को ना हमेशा बाहर से पकड़ना चाहिए, कई बार क्या होता है हम ऐसे अंदर से पकड़ रहे होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं मेरे कंधे आगे की तरफ ऐसे क्लोज हो रहे हैं, बाहर की तरफ पकड़ने पर चेस्ट आप और खोल सकते हो, यू कैन एक्सेस, तो पैर का अंगूठा पकड़ने की बजाय आई वुड ऑलवेज से कि आप बाहर से पैर को पकड़ो एंड देन लिफ्ट एंड देन इनहेल। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, और इसमें ज्यादा देर तक रुकना हो और इसके लाभ ज्यादा लेने हो तब हम एक कुशन को इस तरीके से, कई सारे तरीके हैं, दोनों थाइस के बीच में लगाया और आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि योग शास्त्र में इसी एक आसन का नाम दिया हुआ है जो कि आपकी कुंडलिनी को जागृत करता है, बेसिकली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से ट्यून आउट करता है, बैलेंस करता है, तो आदमी एक काम स्टेट में आता है, ठीक है, बट उसमें टाइम लिमिट है 3 घंटे कुछ मिनट, तो उसको करना आप हमारे बस की बात नहीं, हम कुछ सेकेंड ही सही तरीके से कर ले तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक। पूर्वोत्तान आसन, पश्चिमोत्तान और इसका काउंटर पोज होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है पूर्वोत्तान आसन, उसको हम दो तरीके से करेंगे, आप घुटना मोड़ेंगे और पैर हाथों की उंगलियों को बाहर रखेंगे और रिस्ट को अंदर रखिए, ठीक। अभी तक हम सारी जो पोजेस किए हमने स्पाइन को उठा के रखा, इसमें भी उठा के रखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी हिप बोन है, ये आपका पेंट है, हमें हिप बोन्स को ऊपर उठाना है, कमर पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना है, पेट को नहीं, तो फर्स्ट वेरिएशन में आप ऐसे कंधे पीछे स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और पैर को अच्छे से प्रेस करते हुए सांस भरते हुए आप पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आप आ जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हिप्स नीचे, इनहेल ऊपर एक्सहेल डाउन, इसको आप 5 बार करिए तब हम फाइनल पोज के लिए रेडी हो पाएंगे। यस, पेट को रिजिस्ट करना है, सिर्फ कमर को उठाना है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, पैर पर बराबर वजन डालना है, दोनों हाथों पर बराबर वजन डालना है, सांस भरते हुए उठाइए, सांस खाली करते हुए नीचे की ओर, गुड। आप हेड को ड्रॉप भी कर सकते हो बट उसको सही ढंग से करना है, अदरवाइज नेक में इश्यू आ जाएगा, तो इसके लिए बेटर है कि आप हेड को सामने ही रखिए, गुड।
वेरी गुड। अब देखिए प्रोत्तानासन, इसको हम यहीं से पैर सीधा करके भी कर सकते हैं और प्रेस करेंगे पाम्स को और हिप को पूरा ऊपर उठाएंगे, पूर्वोत्तानासन, ठीक इस तरीके से। वेरी गुड, वेरी नाइस। पूर्वोत्तानासन, लिफ्टिंग योर पेल्विक रीजन अप, यस। एंड एक बार और प्रैक्टिस करिए, एक बार और उठाइए। हाँ यस बेटा, उठाओ कमर को, उठाओ जहां बैक पेन थे उठाइए वहां से। वेरी गुड। एंड रिलैक्स, रिलैक्स कैसे करना है, बैठ कर पवन मुक्त आसन करना है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, फिंगर्स को, एल्बोस को पकड़ लीजिए एंड चेस्ट अप, जैसे आप लेट कर करते हैं उसी तरीके से बैठ कर कंधे नीचे की तरफ, चेस्ट अप। फोकस करिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर। फिर से दंडासन की पोजीशन में आइए, दंडासन की पोजीशन में आइए। अगर बैक पेन है या स्टिफनेस है तब आप ऐसे हल्का सा सपोर्ट दे लेंगे और फुट के किनारे पर बैठेंगे। राइट पैर को मोड़िए। अब हम कर रहे हैं वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज। वक्रासन या कई योगा स्कूल्स में इसे मरीचासन भी कहा जाता है। नी में दिक्कत है तो पैर को थोड़ा सा आगे रखिए, जिनको नी में दिक्कत नहीं है कोशिश करें कि आपकी हील आपके हिप्स के पास रहे। राइट नी को बेंड किया है हमने, राइट हाथ नीचे है और ऐसे टर्न करते हुए लेफ्ट साइड से आप या तो पैर के पंजे को पकड़ लीजिए या आप हाथ को इस तरीके से रखेंगे और घुटने और कोहनी को पुश करेंगे ऐसे, ठीक। राइट पैर को मोड़ा है, राइट हाथ नीचे की तरफ और हुक करिए एंड टर्न करिए एंड रोटेट। शरीर ऐसे गिरा हुआ नहीं, आप दबाएंगे इसको एंड टर्न, कंधे के पीछे देखिए, वक्रासन। गुड सर, आप एल्बो ऐसे मोड़ लीजिए, कोहनी को ऐसे मोड़ लीजिए ताकि ये जो इवन एंड अपोजिट प्रेशर है ना घुटने और हाथ के बीच में, उससे फिर आपके पेट पर एक अच्छा सा दबाव आएगा। फिर धीरे से वापस, सारे ट्विस्टिंग पोजेस हमारे डाइजेशन से और डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, मैनेजमेंट के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर तो बेंट ले और आप इस तरीके से कंधे आगे की तरफ दें, ट्राई टू लुक बैक। वेरी गुड सर, आप पैर का पंजा पकड़ लो ना, पकड़ सकते हो तो। हाँ टर्न, ये प्रिपरेशन है फॉर द अर्धमत्स्य आसना, ठीक है। तो जो अर्धमत्स्य नहीं कर सकते वक्रासन इजीली कर सकते। प्रैक्टिस करिए, इसको भी हमें पीरियड डेज में नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके नाउ अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट पोस्चर की तरफ। हमारा फाइनल पोज अभी भी हमने नहीं किया, अब आप ऐसे घुटने के बना जाइए, राइट पैर को आगे लाइए और राइट पैर को सीधा कर दीजिए। ये हमारी पोजिशन है, घुटने के नीचे सपोर्ट लगा लीजिएगा अगर दिक्कत हो। फिंगर्स को कप शेप में करिए, यहाँ से इनहेल करते हुए घुटना आगे, चेस्ट आगे और एक्सहेल करते हुए पीछे ले जाए। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, पीछे की तरफ ले जाइए। इनहेल एक्सहेल, अगेन इनहेल एक्सहेल। अब स्विच कर लीजिए साइड को, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। इनहेल आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाते हुए यहाँ पे स्ट्रेच आएगा ये फ्रंट थाइस पर और एक्सहेल करते जब आप पीछे जाएंगे तो आपके ग्लूट्स पर और हैमस्ट्रिंग्स पर आएगा। इनहेल और एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल,
inhale, exhale. Then inhale, exhale. Okay, relax. अब देखिए अब हम करने जा रहे हैं हनुमान आसना स्प्लिट पोजीशन और जो आपने पिलो वगैरह लिया था उसको भी आप रेडी रखिएगा. सो करना कैसे है, आप मैट इस तरीके से रखना कि आपका घुटना तो मैट पर आए लेकिन आपके जो पैर है वो फ्लोर की तरफ आए. तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है हमारी. यहाँ से आप एड़ी को रब करते हुए आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ एंड स्टे हियर. फिर आप वापस आएंगे, फिर आप लेफ्ट साइड से इसी तरीके से, ये हम फ्रंट लेग पे काम कर रहे हैं एंड देन बैक लेग उसी तरीके से सीधा. अगर ये नहीं हो रहा है फिर हम एक ऐसे कुशन ले लेंगे या मोटा पिलो ले लेंगे और यहाँ रखेंगे. और अब आप जब आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ सपोर्ट होगा, यू कैन कीप लाइक दिस. जस्ट ट्राई, पूरा नहीं होता तो एटलीस्ट हाफ को कर सकते हैं सभी लोग. यहाँ से बस पैर को आगे ले जाओ, इतना सब सबसे हो जाएगा और फिर वापस लाइए. जस्ट सी वेयर यू आर. हाँ, आपकी ना एडी फ्लोर पर होनी चाहिए तभी आप स्लाइड कर पाओगे, मैट पे आपको वो नहीं मिल पाएगा. तो थोड़ा सा आगे हो जाओ, फ्रंट फुट आपका फ्लोर पर होना चाहिए. यस, ट्राई. हाँ, आराम से, आराम से. यस, फ्रंट लेग पे वर्क करिए. वेरी गुड मैम. हाँ, देन स्विच. हाँ, आज पूरा डीप पर जाइएगा, अदरवाइज दो तीन दिन आप मुझे याद करते जाएंगे जब भी आप चलेंगे या सीढ़ियों पे चढ़ेंगे. ओके, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से करिए एक बार और एंड देन देन रिलैक्स. ओके, जस्ट सेट इन क्रॉस लेग पोजीशन. क्रॉस लेग पोजीशन में आप इस तरीके से बैठेंगे, बैठे हैं बॉडी वेट आगे जाने के बजाय आप पीछे रख. चलो लास्ट पोज है हमारा जो कि हिप ओपनिंग में भी हेल्प करता है, जिसे अग्नि स्तंभ आसन भी कह सकते हैं या इंग्लिश में फायर लॉक पोजीशन. आपका एक पैर नीचे रहेगा इस तरीके से, घुटना और एंकल आपके टखना एक सीध में और इसके ऊपर आप ऐसे रखेंगे जैसे यज्ञ में एक के ऊपर एक संविधा रखते हैं उस तरीके से. नीचे वाला पैर भी सीधा, ऊपर वाला पैर भी सीधा. बैठते ही आपको इधर हिप्स की तरफ स्ट्रेच आएगा. यस, इस पैर को पीछे नहीं लेना है आपको, ये घुटना और टखना, टखना और घुटना एक के ऊपर एक. अभी हो सकता है आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा हो, तो जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप अपने हनुमान आसन और लेग ओपनर्स हिप ओपनर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा दीजिएगा. जैसे मान लीजिए इतना ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे आप. ठीक, अब आप धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए और फोरहेड नीचे. साइटिका पेन के लिए ये स्ट्रेच बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है और आप देख लोगे आपकी ग्लूटियल मसल्स, मैक्सिमस और मीडियस दोनों और पीरीफॉर्मस नर्व वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है. और धीरे से आप वॉक करते हुए वापस आइए केयरफुली. यस, और आप लेफ्ट साइड. इसी तरीके का आपको स्ट्रेच राजकपोतासन जब आपने लास्ट क्लास में किया था उसमें आया होगा. अगेन नी एंकल, नी एंकल एक के ऊपर एक. और अब इसमें भी आगे झुकेंगे धीरे 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 धीरे. रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. अगर एल्बो नीचे टच हो रही है तो और अच्छी बात है. बॉडी को लूज छोड़िए, सिर हाथ अपने आप नीचे लटकता हुआ फ्लोर की तरफ जाएगा. और जितना ज्यादा अपर बॉडी को लूज करोगे उतना ज्यादा आपकी ये ग्लूटियल मसल्स एक्टिवेट होंगे
की बॉडी आगे जा रही है वो मसल्स उसको रिजिस्ट करें तो वो खिंचेगा अच्छे से एंड केयरफुली कम बैक. एक्सीलेंट गुड प्रैक्टिस टुडे एवरीवन. दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड बैक स्ट्रेट. नाउ विजुअलाइज योर ब्रेथ अगेन. लंबा और गहरा सांस अपने आप भीतर आ रहा है, अपने आप बाहर आप खाली कर पा रहे हैं. और ये डीप ब्रीदिंग साइलेंट है, आवाज नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान दीजिए. सो श्वास गहरी है, गहरी भी है, लंबी भी है, धीरे भी है, तीनों क्वालिटीज है जो कि हमारे ब्रेन को बीटा से अल्फा स्टेट में ले जाती है. शरीर शिथिल है, रिलैक्स है. अब तीन बार भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम. श्वास भरिए, ओम का उच्चारण. ओम का उच्चारण हृदय से दिल से करना है, जस्ट लाइक अ प्रेयर फॉर द गॉड. उस तरीके से इनहेल शांति मंत्र. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. और ऊर्जा को चेहरे पर धारण करिए, आंखों को हथेलियों के भीतर खोले बंद करें और इस ऊष्मा और ऊर्जा को चेहरे पर शरीर पर बताते हुए. थैंक यू. आप सभी की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए और थैंक यू डॉक्टर प्रीति फॉर मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपने आप से जोड़े रखने के लिए. थैंक यू एवरीवन. नमस्कार. सो मच मैडम फॉर ऑल योर सेशंस एंड यू हैव टॉट अस योगा इन अ वेरी टेक्निकल वे. मतलब एक महीने से तो सारे पार्टिसिपेंट्स कर ही रहे हैं, बट जो बारकरी से आपने समझाया है इट्स ऑल वंडरफुल. थैंक यू सो मच मैडम. किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक है तो आप बोल सकते हैं. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ आवर योगा एंड दैट टू ऑफ पूनम मैडम. इफ समबडी वांट्स टू गिव योर फीडबैक यू कैन.
मैडम, आपके सेशंस का भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो योगा से थोड़े डिफिकल्ट, मतलब स्ट्रेचिंग ज्यादा थी, और मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब सिंपल नहीं थे, और हर एक का यूजफुल एप्लीकेशन था अच्छा सा, लेकिन वो प्रैक्टिस से अच्छे ही वो बनेगा। और ऐसे अगर कोई कोर्स में और फिर से आपसे ये टीचिंग मिलेगी योगा की, तो डेफिनेटली वी विल डू ऑल द थिंग्स दैट वी डिड इन दिस लास्ट फ्यू डेज। और मैडम, हमारे लेग्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रेच नहीं होते बिल्कुल। आप जो बोलते हैं ना, बेंड मत करो, स्ट्रेट रखो, तो होते नहीं। बीते दिनों से कभी कुछ किया नहीं। अभी मैडम की वजह से इंडक्शन प्रोग्राम में इतने योगा अच्छे थे कि ये उससे स्ट्रेचिंग बॉडी को थोड़ी मिलना शुरू होगी, लेकिन एकदम जल्दी से तो स्ट्रेच नहीं होंगे। तो उसके उसके लिए कुछ टिप्स है क्या लिए मैडम? उसके लिए महर्षि पतंजलि ने दो ही सूत्र दिए हैं, दो रामबाण उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस करते जाना है और किन चीजों से डिटैच करना है, और आपको ये देखना है कि टाइटनेस बॉडी में क्यों आ रही है। या तो हम रोज योगाभ्यास या कोई भी एक्टिव आपका एक्सरसाइज नहीं है, दूसरा या आपकी सिटिंग जॉब ज्यादा है, तो 45 मिनट से ज्यादा आपको एक पोस्चर में रहना ही नहीं है। चाहे आप टीचर हैं, बैठे हैं तो आप खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो आप चलने लग जाइए। इस तरीके से अगर हम एक ही मसल्स पे, एक ही हिस्से पे ज्यादा जोर देते रहेंगे तो दूसरा हिस्सा कमजोर हो जाएगा और कुछ हिस्से आपके टाइट हो जाएंगे। तो उस पे आपको ध्यान देना है कि इम्बैलेंस कहाँ पर हो रहा है, और रोज रोज अभ्यास करने के साथ साथ हो जाएगा। और हम सभी को ग्रोथ अच्छी लगती है, तो हम बिगनर से इंटरमीडिएट, और मैं तो चाहूंगी और आगे जाके आप और एडवांस चीजें करें, तो उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज हमसे नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और हम इसमें और अभ्यास डालें। एक वो इंसान होता है जो छोड़कर बैठ जाता है कि नहीं हो रहा, छोड़ो, नहीं करेंगे। एक वो होता है जो थोड़ा मोटिवेट होता है और ढूंढता है कि कहाँ कमियां हैं, क्या चीजें हैं, और फिर हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इतने जो डॉक्टर प्रीति ने इतने सारे सेशंस रखवाए, आपको उसमें से जो भी अच्छा लगता है, जिनका भी आपको आइडिया या टेक्निक क्लिक करती है या आपको शरीर पर ज्यादा उपयोगी लगता है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बट करना जरूर है, चाहे आप सिंपल वाला पोज कर रहे हैं या सिंपल पोज ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हमें देखने में लगता है कि एडवांस पोज में ज्यादा अच्छा है, बट सिंपल पोज सही ढंग से, सही टेक्निक से, ब्रीदिंग के साथ किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका मन वहां पर है, आपका माइंड, ये सारे योग को किया। इसका जो सेकंड सूत्र में ही उन्होंने बताया, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जो माइंड की फ्लक्चुएशंस हैं, इधर उधर जो जाता है मन, जो इतना ज्यादा ऊर्जावान है, उसको हम केंद्रित करना, नियंत्रित करना सीखते हैं योग के, योगिक टूल के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा। तो उस पे कर सकते हैं काम। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू सो मच मैडम। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एचआरडीसी नागपुर, आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू डॉक्टर पूनम मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन, दोस्त थैंक यू हुआ मैम। विजिबल नमस्ते और मैम। दोस्त हुआ इनविजिबल, सेम वे, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सो टेक केयर, मच। बाय। यस मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम रुकते हैं। वी विल मीट एट 11 o'clock फॉर अवर नेक्स्ट सेशन। वो डॉक्टर विवेक नानोटी सर का सेशन है आज। विलिंगली कौन वोट ऑफ थैंक्स करेगा, क्योंकि अभी अपनी लिस्ट तो वैसे खत्म हो गई है। पहले सेशन का वोट ऑफ थैंक्स करना है, कौन करेगा? आप अपने तरफ से अनम्यूट करके बताइएगा। किसी की इच्छा है वोट ऑफ थैंक्स करने की? अभी मैं किसी का नाम कॉल नहीं करूंगी। अभी वी आर एट द एंड ऑफ अवर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। यू योर सेल्फ गिव योर नेम ऑन योर विलिंगनेस। कोणाला करायचं आहे वोट ऑफ थँक्स? आर यू ऑल देअर? हॅलो, आय एम ऑडिबल? यस मॅम, यस ऑडिबल। हां ओके, तर कोणाला वोट ऑफ थँक्स करायचं आहे का आजचं? नोबडी इज इंटरेस्टेड आय थिंक। एनीवेज, चलिए यहाँ पे रुकते हैं। मैं फिर से नहीं आप लोगों को बोलूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वी विल मीट एट 11 o'clock फॉर डॉक्टर नानोटी सर्स लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।